मोदी जी से हमारा यही कहना है कि हमको हमारी बीबी ला के दे, नहीं तो हम उनको वोट नहीं देंगे, नहीं तो अपने परिवार से दिलाएंगे। हम उनका पैर दबाते थे, हाथ दबाते थे, कपार दबाते थे, उनका धोती कचारते थे, कपड़ा कचारते थे, मतलब सब कुछ, बर्तन खाना पीना सब कुछ बनाते थे, उसको खिलाते भी थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आज मेरे साथ एक पीड़ित पति हैं और इनका नाम अनमोल है। इनका कहना है कि मोदी जी मेरी बीबी को ला दीजिए, नहीं तो मैं आपको वोट नहीं करूंगा। अनमोल जी क्या कह रहे हैं आप मोदी जी से? मोदी जी से हमारा यही कहना है कि हमको हमारी बीबी ला के दे, नहीं तो हम उनको वोट नहीं देंगे, नहीं तो अपने परिवार से दिलाएंगे। हाँ, हमारा उनसे यही कहना है। अगर आपकी बीबी को मोदी जी ला करके नहीं देते हैं, आप उनको वोट नहीं करेंगे? हाँ, वोट नहीं देंगे, अपने परिवार से भी नहीं दिलाएंगे उनको, और जो हमारे संगी साथी हैं जो पर्चे के, हम सबसे वोट नहीं दिलाएंगे। अगर हमारा मेहरारू ला के देंगे तो हम उनको वोट देंगे और दिलाएंगे भी। कब से बीबी आपको छोड़कर गई है? 4 साल से परेशान है हम उनसे, 4 साल से परेशान है, और हमको उल्टा वो दहेज प्रथा घरेलू सा मतलब लागू की है, और हमारा विदाई का कंप्लेन चल रहा है, हमारा कागज दबवा देते हैं। और हमारा एक नाम है कि मतलब हमारा बीबी हमको ला के देंगे, ठीक है तो हम उनको वोट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। अच्छा, आप अपनी बीबी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, क्या क्या करते थे हमारे दोस्तों को बताइएगा? हम उनका पैर दबाते थे, हाथ दबाते थे, कपार दबाते थे, उनका धोती कचारते थे, कपड़ा कचारते थे, मतलब सब कुछ, बर्तन खाना पीना सब कुछ बनाते थे, उसको खिलाते भी थे। उसके लिए फल फूल काजू किशमिश का वाला की बन्नी लगाए थे, अपने यहाँ जो फल बेचते उनके यहाँ से डेरी लगाए थे, वो बेल्टा पे से दूध डेरी लगाए थे, उसके लिए हम सब कुछ किए थे। बाकी इतना सब कुछ देते हुए मतलब जो जो कहती थी सब सब में दिया। आप अपनी बीबी के लिए सब कुछ करते, क्यों ऐसा करते थे? क्या आप उस लड़की से क्यों शादी किए? वो गोरी थी इसलिए हम शादी किए, मतलब उसको हम पसंद आए, उसको मतलब हमको भी पसंद आई, मतलब शादी करने पसंद आ गई। आप कह रहे थे कि मेरी बीबी मुझे काला कलूटा बोलती है, फिर कैसे आपको पसंद कर लियो? तो पहले नहीं ऐसे बोली ना, पहले पसंद की थी, बाकी अब ऐसे बोलती है। जब मतलब उस टाइम तो उसके पेट में बच्चा था, किसका था किसका नहीं मालूम है, बाकी अब तो हम उसको डेना चेक करवाएंगे। कितने दिन बाद उसके पेट में बच्चा था? वो जो हमारे यहाँ आई 15-20 दिन में उसको कहला उल्टी चक्कर फकर आने लगा, जब अल्ट्रासाउंड कराने का बात हुआ तो उसी पे तो हमको जेल करा के चली गई, तब से आई कहाँ, वही बात नहीं की। फिर क्या बोला कि उसको यहाँ बच्चा भी हो जाता है, तब भी हमको मतलब बताती नहीं है कि हमको बच्चा हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमको कुछ भी नहीं बताई। इतना लेकिन बीच में हमारी माता जी इंस्पायर हो जाती है, उसमें हम फोन करके बुलाते हैं तो उसमें भी नहीं आई। जो जो कि मैं अपने मम्मी का वीडियो बना के भेजा था उसके मोबाइल पे, सब कुछ बताया भी था, रो के हर तरह से एकदम प्रेम से समझाया था, ऐसा ऐसा बात हो गया चली आओ, बाकी वो नहीं आई। बोली कि ऐसी थी वो मर गई, हम नहीं आएंगे, तुम हमारा हो क्या मतलब? अच्छा, अब अगर आए, अगर अब मान लीजिए आपकी बीबी आपके पास आना चाहे, अब भी कहेगी आप मेरा पैर दबाइए, खाना बनाइए, अब भी करेंगे वही चीज? आप ऐसे नहीं करेंगे, अब जो डर गया वो मर गया, अब हम डरने वाला नहीं है, वो आएगा जी ना है। अब आएगी तो इज्जत से, जैसे जो पत्नी धर्म है वो पत्नी अपना वो निभाएगी, और हमारा जो धर्म है हम वो निभाएंगे, अब हम दबाव में नहीं रहेंगे, हमको कोई चीज का डर नहीं है। 4 साल से मैं अकेला रह चुका हूं। बात बताइए, आपकी पहली बीबी आपको छोड़ के भाग गई, आप बता रहे थे कि आपके पास आती ही नहीं थी वो पहली बीबी। हाँ, पहली बीबी मतलब हमारा मतलब छोटैया में शादी हो गया था, 2015 में शादी हुआ था, मतलब कि मतलब वो टाइम बहुत छोटे थे हम, और वो मतलब 3 साल बाद वो टाइम मतलब 4-5 साल गौना आता है ना, तो 3 साल बाद हमारा गौना आया था, तो जब आया गौना तो मतलब हमको मतलब टेस्ट नहीं करने देती, मतलब अपना पति स्वीकार नहीं कर देती थी, मतलब हम घर में जाते थे तो बाहर भाग जाती थी, हम बाहर आते थे तो घर में जाके कुआड़ी बंद कर लेती थी, ऐसे ऐसे मतलब कुछ दिन चला, फिर नैहर चली गई तो आ नहीं रही थी, तो ऐसे ऐसे में विदाई कंप्लेन किया, तो उसमें मतलब बोली कि मतलब हमारे न जाने में शादी हुआ है, हम इसको पति स्वीकार नहीं करते हैं, उसी में मतलब वहाँ के दरोगा जी मतलब हमारा डिवोर्स करवा देते हैं। देख सकते हैं मेरे साथ एक पीड़ित पति हैं, पहली पत्नी तो इस कारण से छोड़कर चली गई क्योंकि छोटे थे तभी इनकी शादी हो गई, दूसरी बीबी इनको इसलिए छोड़कर चली गई है क्योंकि इनकी बीबी गोरी है, वो इनको कहती है कि तुम काले हो कलीटे हो, इनसे सारा काम करवाती है, अपनी पत्नी के लिए सारा काम करते थे, पैर दबाते सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी है, छोड़कर चली गई है। अभी मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, मोदी जी हमारे बीबी को ला कर दीजिए, जो मेरी बीबी चली गई है, नहीं तो मैं आपको वोट नहीं दूंगा। प्रमोद गुप्ता, जय भारत।